मैं पूजा राहुल आज आपको न्यूबॉर्न बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि के बारे में बताने जा रही हूँ। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तब डॉक्टर उसकी नाभि कट करके उसको उसके ऊपर एक पिन लगा देते हैं। वो पिन किस तरह से रहते हैं ये आपको हम अभी दिखाते हैं। इस तरह से पिन लगा के हमें बेबी हमारे हाथों में दिया जाता है। इसका जो है घर जाने के बाद कैसा ध्यान रखना है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। घर आने के बाद कुछ ही दिन में किसी बेबी के पाँचवें दिन, सातवें दिन, बारह दिन तक ये निकल ही जाती है। इस तरह से ये नाभि से अलग हो जाती है और ये गिर जाती है, नाभि से अलग होकर गिर जाती है। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है ये आपको बताने जा रही हूँ। जब ये नाभि नाभि से पिन जब अलग हो जाती है तब इसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते समय अगर ये गिर जाए तो ध्यान रखते समय ये भी ध्यान है, ये जब गिर जाएगी तो ये जो है डेड स्किन यहीं पे छोड़ जाएगी। ब्लड रहता है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे सूखा हुआ वैसा ही रह जाता है। तब इसको हमें अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नाभि गिर जाने के बाद ये जो पूरा पोर्शन जो है ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हल्का करके नहीं हो सकता है, हल्का नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से ये सब पूरा जो है निकल देना है हमें। वो किस तरह से निकाल देना है ये हम बताते हैं। इस तरह से हमें ये पूरा क्लीन कर लेना है। जो डेड स्किन है काली वाली, थोड़ा जो ब्लड रहता है सूखा हुआ, वो सब पूरा क्लीन करना है। ये क्लीन करते समय जो ये कॉटन लिया है, रुई जो है वो जो है डेटॉल के पानी थोड़ा डिप करके फिर करना है। बीटाडीन से भी क्लीन कर सकते हैं आप, डेटॉल के पानी ले लो या बीटाडीन ले लो, कुछ भी ले लो, उससे ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा क्लीन होने के बाद इसके ऊपर जो कुछ लगाना है वो उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। अभी डॉक्टर हमें न्यूस्प्रिन या बीटाडीन की पाउडर देते हैं, वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखो इस तरह से हम ये 5-6 दिन लगा सकते हैं, वो पाउडर लगा सकते हैं हम। ये पाउडर लगाने के 5-6 दिन के बाद ही हमें ऐसा लग रहा है वो गीला ही रहे, वो पूरा ड्राई नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है आप सोचोगे ये क्या आप बता रहे हैं, मगर नहीं, हमने सैकड़ों बच्चों को ये जो प्रयोग किया है, ये जो है नमक है ये लगा के उनको 3 से 5-6 दिन में उनकी नाभि जो है वो ड्राई होती है। ये हमने सैकड़ों बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, तब हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं। ये जो नमक है ये नाभि के ऊपर डालना है, इसका वीडियो हम आपको दिखाने वाले। ये जो है नमक, चुटकी भर नमक, पूरा क्लीन होने के बाद चुटकी भर, 1 या 2 चुटकी भर नमक उसमें डालना है, इससे जलन बिल्कुल नहीं होती है। ये जो है एक टाटा नमक है, आप मोटा नमक भी डाल सकते हैं, जो खड़ा नमक होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, मगर हम ज़्यादा करके यही नमक आज तक लगाते आ रहे हैं क्योंकि ये इजली घर पे अवेलेबल होता है इसलिए, पर इससे ज़्यादा जो है मोटा नमक से ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अभी इसका एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके पहले ये जो है नाभि का जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखते समय डायपर का भी ध्यान रखना है। डायपर या जो ही आप नाभि उनको पहनाते हैं वो कभी भी जो है अम्बिकल कॉर्ड है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, उससे नीचे के साइड आना चाहिए, क्योंकि उसके वो जब हम ढक देते हैं डायपर में तो उसमें शिशु जाके इन्फेक्शन होता ही है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि डायपर उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। और आप नैपी भी पहनाते हो कॉटन वाली, वो भी उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए क्योंकि शिशु उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, और थोड़ा खुला ही रखना चाहिए। उस कोई लोग उसके ऊपर बेल्ट यानी कॉटन का जो पट्टा रहता है वो बांध देते हैं, कोई कुछ भी कपड़ा उसके ऊपर बांध देते हैं, ये बहुत गलत बात है। उसको हवे में ही रखना चाहिए, खुला ही रखना चाहिए, उससे बांधने से कुछ भी नहीं होता है। कोई किसी का कहना है अगर हमने बांधने दिया तो जो नाभि है ऊपर आ जाती, ऐसा नहीं होता है। किस केस में नाभि ऊपर आती है, जिसकी नाभि जो है ऊपर आने का एक रीज़न होता है कि कोई किसी बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में भी हर्निया होता है, वो हर्निया के वजह से जो है नाभि ऊपर आ जाती है, मगर उसका कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता है। वो जब बच्चा पलटी मारता है कुछ दिन के बाद उन अपने आप निकल जाता है। अगर नहीं निकल गया तो उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेट करके और हो जाता है, कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं है।
आपको लगता है किसी किसी बेबी के आप नाभि देखते हैं, ये उसका खुद का अपना ही हर्निया रहता है, उसके वजह से नाभि ऊपर आती है, उसने कपड़ा नहीं बांधा, बेल्ट नहीं बांधा, इसके वजह से वो नहीं होता है। इसीलिए बेबी का पेट के ऊपर कुछ भी टाइट चीज़ नहीं बांधनी चाहिए, कि बेबी फिर रहे उसका पेट टाइट बांधने से वो अनइजी हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो रो सकता है। इसीलिए एक ध्यान रखना है, जो नाभि है उसके ऊपर कुछ भी बांधना नहीं है, कुछ भी करना नहीं। अब हमको हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उसके पहले एक जो हैप्पी पेरेंट्स है उसका एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको कैसे नाभि के नमस्ते। ये जो मेरे बेबी के नाभि पे नमक डाला है और ये जो किया है मेरे बेबी के जो नाभि साफ करने के लिए, ये बहुत सही है। मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और मैं सभी मम्मियों को बोलना चाहूंगी कि आप भी एक जरूर ट्राई कीजिए। सभी मम्मियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। डायपर पहनाते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो फोल्ड करके पहनाना चाहिए, नाभि के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नाभि के ऊपर आ जाएगा तो शिशु का इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए नाभि के ऊपर बिल्कुल आना नहीं चाहिए। अभी हम इसके ऊपर नमक अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। चुटकी भर लेके अच्छी तरह से जो नाभि है ओपन करनी है और फिर उसके ऊपर अंदर अच्छी तरह से डालना है, ऊपर के साइड पे ही नहीं चाहिए, अंदर जाना चाहिए। ऐसे अच्छी तरह से आप 5 दिन करोगे तो नाभि बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये बेबी जो है सिर्फ 11 दिन की बेबी है।